अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एडवर्ब। उर्दू में इसे कहते हैं फे मुतल्लिक, जो फे से ताल्लुक रखने वाला है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि एडवर्ब जो है सिर्फ वर्ब को बयान करता है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब में वर्ब शामिल होता है, लेकिन हकीकत में ये मॉडिफायर भी कहलाता है। मॉडिफाई करता है किस किस को? मॉडिफाई करता है ये मीनिंग में इजाफा करता है। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो किस किस के मीनिंग में इजाफा करता है? ये वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। एक एडवर्ब जो है वो वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है, एक एडवर्ब एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। लेकिन एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर देगा, इसी तरह एक एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जांपल किस तरह? ही स्पीक्स, वो बोलता है। स्पीक क्या है? हमारे लिए वर्ब है, ठीक है। ही स्पीक्स लाउडली, वो बोलता है। स्पीक वर्ब, पहले वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। स्पीक बोलना, ठीक है, बोलता है। कैसे बोलता है? ठीक है, लाउडली, ऊंचा। बोलने के मीनिंग में लाउडली ने क्या किया? इजाफा कर दिया। तो ये क्या हुआ हमारा? एडवर्ब। एडीवी शॉर्ट फॉर्म इसकी मेंशन की जाती है डिक्शनरी में। अब एक एडवर्ब जो है वो एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर देता है। जैसे मसलन कोई एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, स्पीक्स वेरी लाउडली। स्पीच बोलता है, कैसे बोलता है? लाउडली, ऊंचा। इस लाउडली ने क्या किया? वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया, ऊंचा। बोलता है ऊंचा, कितना ऊंचा? वेरी लाउडली। इस वेरी ने क्या किया? इस लाउडली के मीनिंग में भी इजाफा कर दिया। मतलब ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब ने वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया, ठीक है। एडवर्ब ने एक एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर दिया, ठीक है। अब जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करता है। जैसे He is very brilliant student. वह एक बहुत ज़हीन तालिबान है। Brilliant, ये adjective है। Adjective कहते हैं खसूसियत को, किसी की तर्ज तारीफ को, सिफ्त को, अच्छाई या बुराई, वो adjective कहलाता है। A, B, J, ये short form है इसकी, ठीक है। ब्रिलियंट तो है, कितना ब्रिलियंट है? बहुत, वेरी वेरी ब्रिलियंट, बहुत जहीन है। तो वेरी ने क्या किया? इस एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर दिया, लिहाजा ये वेरी क्या हुआ हमारा? एडीवी एडवर्ब, ठीक हो गया। इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, इसकी काइंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ कॉज, कॉज कहते हैं वजह, जो वजह को जाहिर करता है। और लास्ट पे है एडवर्ब ऑफ एफिर्मेशन, एफिर्मेशन और निगेशन। एफिर हामे जो आपने ना, और निगेशन निगेट से है, इनकार करना। हाँ या ना के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी हमारे एडवर्ब में यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब ऑफ टाइम, जो वक्त को, नाम से ही हमारा दर्शा रहा है टाइम, जो वक्त को जाहिर करे, एडवर्ब ऑफ टाइम है। फॉर एग्जाम्पल इवनिंग एट 5 o'clock, ये क्या है हमारे लिए? एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो वक्त को जाहिर करते हैं। दूसरे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस,
जो चला को जाहिर करे। नाम से पता चल रहा है प्लेस, प्लेस मतलब जगह, ठीक है, जैसे इन द स्कूल, इन द बिल्डिंग, जगह को कर रहे हैं, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तीसरे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जो आदाब को जाहिर करे, आदाब मैनर आदाब को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटर एप्लीकेशन में लिखा हुआ योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर अफेक्शनेटली, ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं ना योर्स के साथ आते हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। पहचान क्या होती है, एल और वायर, एल वायर वाले अल्फाज जो होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। मसलन सिंसियर, ट्रूली, ठीक है, बटरफ्लाई, फैमिली, रिप्लाई, एल वाई, एल वाई, एल वाई, एल वाई और एल वाई, एल वाले वाले अल्फाज जो होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर वो लफ्ज जो एल वाई जी के लास्ट पे आता है एडवर्ब ऑफ मैनर है, नहीं, ऐसा नहीं है। पहचान है कि पहचान कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल इस एल वाई को काट दे, इस एल वाई को काट दे, इस एल वाई को काट दे, जो बाकी लफ्ज बचता है वो क्या है, बटर, फैमिली, रैप, अकेले कोई मीनिंग नहीं देते ये, जब तक एल वाई साथ ना मिल जाए, जब एल वाई साथ मिल जाए तो प्रॉपर ये अलग एक मीनिंग पैदा कर रहे होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं। लेकिन इनका एल वाई हटा दे, सिंसियर, ट्रू, ठीक है, एल वाई हटाने से भी ये प्रॉपर एक मीनिंग दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो जब अलग प्रॉपर मीनिंग दें, ठीक है, और इन अल्फाज के साथ साथ एल वाई का जैसे ही हम इजाफा करें, तो एल वाई का इजाफा होने की वजह से ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं, इसी तरह ये ट्रूली, ठीक हो गया, फर्क है दोनों में, एल वाई लाजमी नहीं कि एल वाई आ गया लास्ट पे तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर देखना है कि वर्ड अकेला मीनिंग भी दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक हो गया। चौथे नंबर पे है डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, रफ्तार को कहते हैं, रफ्तार, ठीक, इसमें पूछा क्या जाता है, द आंसर ऑफ हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, इस चीज का जो आंसर मिलता है वो हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की रफ्तार से, मतलब ये है कि एक काम कितनी बार हुआ, मसलन ऑफन ये काम अक्सर होता है, ऑफन अक्सर, ऑलवेज हमेशा होता है, ठीक है जी, यूजली, ठीक है जी, इसके अलावा ऑलवेज यूजली है, ऑफन है, ठीक है। अच्छा याद रखना है कि ये भी एल वाई है और यूजुअल एक अलग मीनिंग देता है, लेकिन ये शामिल एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में होता है, इसलिए मैं अलग से आपको लिखवा दिया है, क्यों, क्योंकि ये मामूल का बताता है कि काम का मामूल क्या है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हमें बताता है द आंसर ऑफ टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, किस हद तक
मतलब रफ्तार ये भी नहीं रफ्तार है, फर्क ये है कि रफ्तार में मजीद इजाफा कर दे, यानी कि इंटेंसिटी बाई है, यानी कि एक काम का शिद्दत इख्तियार कर जाना वो डिग्री कहलाता है। इसमें जो अल्फाज शामिल होते हैं वो हमारे हैं टू डबल ओवर वेरी ऑलमोस्ट वगैरह, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ affirmation और negation, affirm हाँ खबर देना, हाँ में मतलब जवाब होना, negation negate से है इनकार करना। ऐसे अल्फाज जो खबर दे या इनकार करने में मदद करे, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबली, प्रोबेबली श्योरली नॉट, ये हमारे क्या है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन। सातवें नंबर पे लास्ट है आज की एडवर्ब ऑफ कॉज, एडवर्ब ऑफ कॉज नाम से पता चल रहा है कॉज कहते हैं वजह, जो वजह को जाहिर करे एडवर्ब ऑफ कॉज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं, हेंस, देयरफॉर, सो, ये क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ कॉज, ये हमारी लास्ट किस्म थी।